एक सक्सेसफुल बॉक्सर जिसकी फैमिली भी थी, वो किसी और बॉक्सर लड़की से मिलता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फ्रेंच मूवी को जिसका नाम है टाइगर ब्लड इन द माउथ, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.5/10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम रमोन नाम के बंदे को देखते हैं। ये बॉक्सिंग का बहुत ही बड़ा चैंपियन है। इसकी एक मैच चल रही थी। रमोन की एज अब काफ़ी बढ़ने लग गई थी और उसका ये मैच एक यंग अपोनेंट के साथ था, जिसकी वजह से उसे इस मैच में बहुत ही परेशानी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा इस मैच में पिट रहा था, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर वो भी एक बड़ा सा पंच मार देता है, जिसके बाद वो मैच जीत जाता है। ये उसके करियर का बहुत ही बड़ा मैच था। उसकी वाइफ और उसके बच्चे सब उसके लिए बहुत ही खुश थे। इसके बाद रात में सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। वो आज रात बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था। उसकी वाइफ पास आकर कहती है, आज ज़्यादा ड्रंक मत करो, हम लोग इंजॉय करते हैं। वो उसके साथ डांस करना चाहती थी। वाइफ का नाम कैरीना होता है। उसका हस्बैंड इतना बड़ा चैंपियन है, जिस बात पर कैरीना बहुत ही प्राउड थी, लेकिन जनरली उसका फाइट करना उसे अच्छा नहीं लगता था। इन दोनों ने मिलकर अब डिसाइड किया है रमोन अब फाइटिंग छोड़ देगा। उसने अगली मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। इसके बाद वो अपने बेटे को स्कूल में छोड़कर आया। इसके बाद हम देखते हैं एक बैंक के आदमी के साथ इनकी मीटिंग थी। कैरीना चाहती थी वो और रमोन मिलकर एक शॉप चलाएं, और इसी शॉप के लोन के लिए वो आदमी आया हुआ था। रमोन इस मीटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मीटिंग के बाद वो डायरेक्टली बॉक्सिंग क्लब में आ गया। उसने प्रैक्टिस करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को देखा, जिसका नाम डेबरा होता है। वो अपने ट्रेनर से पूछता है वो लड़की कौन है। उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रमोन कहता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ट्रेनर को ये बात करना सही नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है रमोन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जो फाइट रमोन ने अभी अभी की थी, इसके बारे में न्यूज़ में भी आया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है रमोन का अपोनेंट बहुत ही वीक था, फिर भी उसे हराने के लिए रमोन ने बहुत ही स्ट्रगल किया। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। उसकी प्रैक्टिस जब खत्म हुई, तब डेबरा को जाते हुए रमोन ने देखा। वो उसका पीछा करता है। डेबरा को शक हुआ, वो आगे चलकर उस पर हमला कर देती है। जब वो उसे देखती है, तब उसे रियलाइज़ होता है ये कोई और नहीं, फेमस रमोन है। वो उसे सॉरी कहती है और उसे पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। रमोन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमोन पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे एड्रेस बताती है। तब रमोन कहता है, मेरी गाड़ी पास में ही है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। लेकिन डेबरा इसके लिए उसे मना कर देती है। इसके बाद रमोन हमेशा प्रैक्टिस करते हुए उसे देखता रहता था, वो भी उसे नोटिस करती थी। एक दिन जब रमोन शावर लेने के लिए गया, तो डेबरा उसके पीछे आ जाती है। ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो उसके घर पर आते हैं। डेबरा उसे पूछती है, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। रमोन कहता है, मुझे तुम पूरी की पूरी बहुत अच्छी लगती हो। रमोन आज बहुत टाइम से डेबरा के पास था और वो कह रही थी, आज रात तुम मेरे साथ ही रुको। लेकिन रमोन कहता है, मुझे जाना पड़ेगा। वो उसे झटक कर वहाँ से जाने लगता है। डेबरा ने बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने और वो कहती है, पहले मेरे साथ फाइट करो। फाइट करते हुए रमोन पहले तो उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन वो उसे सीरियसली मार रही थी। फिर रमोन ने जब उसे एक पंच मारा, डेबरा के मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद डेबरा जहां पर काम करती है, वहीं पर वो उसे छोड़ने के लिए जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें आगे भी ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन डेबरा उसे मना कर देती है। रमोन को लगता है शायद वो उससे कुछ छुपाना चाहती है, शायद वो कुछ गलत करती है। इसके बाद उसने इसे इग्नोर कर दिया। आजकल रमोन न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा था, इसके बारे में वो बहुत सोच रहा था। उसने अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा दी थी। अगले सीन में जो रमोन की फाइट को स्पॉन्सर करता है, उस आदमी के पास वो जाता है। वहाँ जाकर वो कहता है, मैं सोच रहा हूँ मुझे फिर से फाइट करनी चाहिए, इस बार मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। पहले तो उसके फ्रेंड को ये मजाक लगता है, वो भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसे भी बहुत सारे पैसे कमाने को मिलेंगे। फिर फाइट के लिए उसने थोड़े पैसे उसे दे दिए। आजकल रमोन जब डेबरा के साथ है, वो पूरा पूरा दिन गायब रहता था। ये बात कैरीना ने नोटिस की थी। वो उसे पूछती है, कल रात तुम कहाँ थे। रमोन इस बात पर झूठ बोल देता है। ये बात कैरीना को पता थी रमोन झूठ बोल रहा है। वो उससे कहती है, मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो। वो अगले दिन फिर से बहुत लेट घर पर आता है। इस वजह से कैरीना उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो अपने बेडरूम का डोर लॉक कर लेती है। रमोन को फिर काउच पर ही सोना पड़ता है, उसे नींद नहीं आ रही थी।
इसलिए वो डायरेक्टली डेबरा के घर पहुंच जाता है। डेबरा अब तक अपने घर पर नहीं आई थी। वो घर आने पर रमोन को देखती है और उससे कहती है, तुम्हारा इस तरह से मेरे रूम में आना अच्छा नहीं लगता, अगर तुम आना चाहते हो तो हमेशा के लिए आ जाओ। अगले दिन जब रमोन अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तब ट्रेनर कहता है, कल रात तुम्हारी वाइफ का कॉल आया, रात भर तुम कहाँ थे? रमोन इस बात को टाल देता है और कहता है, मुझे फिर से बॉक्सिंग करनी है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। उसका ट्रेनर इस बात के लिए उसे मना कर देता है। उसके ट्रेनर को लगता है वो इडियट है, उसे ट्रेन करने के लिए उसने मना कर दिया, लेकिन रमोन किसी की भी नहीं सुनता। क्लब में भी सबके सामने रमोन डेबरा को ट्रेन कर रहा था। ये सारी बात ट्रेनर ने देखी। ट्रेनर को ये बहुत ही गलत लगा। थोड़ी देर में रमोन का फाइट अरेंज करने वाला फ्रेंड यहाँ पर आया। उसका नाम नुकी होता है। नुकी उसे कहता है, एक नई फाइट होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक शो के लिए होगी। इस फाइट में तुम ही जीतोगे, हमें इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रमोन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो आज रात जब घर पर आया, तब कैरीना उससे पूछती है, कल रात तुम कहाँ पर थे? रमोन उसे बताता है, मैं फिर से फाइट करने वाला हूँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे जो भी पैसे मिले थे ये सारे उसने कैरीना को दे दिए। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है, तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम्हारी बच्चों की माँ हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दिया करो। वो रमोन से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। रमोन ने भी उसे गले लगा लिया और आज रात को ये इंटीमेट हो गए। वो उसे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रमोन को लगता है डेबरा शायद उससे कुछ छुपा रही है। वो जहाँ पर काम करती है वहाँ जाकर वो उसे देख कर आता है। वो सिर्फ स्वेटर वगैरह सेल करने का काम करती थी, वो कुछ भी गलत नहीं करती। इसके बाद रमोन की फाइट का दिन आता है। सारे लोग उसके लिए चेयर अप कर रहे थे। ये फाइट शो के लिए थी। उसके अपोनेंट को उसे थोड़ा थोड़ा मारना था, लेकिन एक्चुअल में वो पंच करने लगता है। रमोन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। जब राउंड खत्म हुआ तब वो ट्रेनर से बात करता है, वो एक्चुअल में मुझे पंच मार रहा है। ट्रेनर कहता है, फिर तुम भी उसे मारो। इन दोनों में एक्चुअल फाइट हुई और रमोन ने अपने अपोनेंट को हरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं सब चीज़ों के बावजूद भी उसकी वाइफ कैरीना उसे चेयर अप करने के लिए आई हुई थी। फिर से ये लोग मिलकर रमोन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने घर की आज सारी बियर ख़त्म कर दी थी। रमोन कहता है, मैं बियर लेकर आता हूँ, लेकिन घर के बाहर ही डेबरा थी। वो उस पर गुस्सा हो गया और उसे कहता है, तुम्हें इस तरीके से यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये दोनों फिर रमोन की एक सीक्रेट जगह पर गए और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह डेबरा उससे पूछते हैं, ये कौन सी जगह है? वो कहता है, ये मेरी फादर की जगह थी, वो यहाँ पर ट्रेन करते थे। उनकी डेथ के बाद मुझे समझ नहीं आया इस जगह का क्या करना है, तो मैंने इसे अपने लिए रख लिया। इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो डेबरा को यहाँ पर लेकर आया तो उसे बहुत ही स्पेशल लगता है। ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग करने लग गए थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। एक रात जब ये दोनों डिनर करने के लिए आए, वो डेबरा से पूछता है, तुम किस टाउन से हो? डेबरा ने उसे नाम बताया। उसी टाउन से एक बहुत ही फेमस बॉक्सर भी था। रमोन पूछता है, क्या तुम उसकी बेटी हो? डेबरा कहती है, हाँ, लेकिन उस बॉक्सर की कोई अलग वाइफ भी थी। डेबरा की मदर के साथ उस बॉक्सर का अफेयर था। वो अपने फादर से बहुत कम मिलती थी। रमोन ने डेबरा के फादर को भी फाइट में हराया हुआ था। बाद में उनका करियर बर्बाद हो गया। वो पैसों के लिए चोरी करने लग गए थे। क्राइम करते हुए पुलिस ने उन्हें मार दिया। फिर बात करते हुए रमोन ने एक लेडी वेटर को ऑर्डर दिया। डेबरा को लगता है वो उसे चेकआउट कर रहा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा करते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी तरीके से इनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उसका फ्रेंड फिर से उसके पास आता है और उसे कहता है, लास्ट टाइम तुमने जिससे फाइट की थी वही लोग फिर से तुमसे फाइट करना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इवेंट होगा, ये बहुत बड़ी फाइट है जो अफ्रीका में होगी। रमोन ने ऑलरेडी उसे हरा दिया है तो फिर से उसके साथ उसे फाइट करना सही नहीं लगता। उसने इस फाइट के लिए अपने फ्रेंड को मना कर दिया। हम देखते हैं एक रात डेबरा और रमोन डांस कर रहे थे। डांस करते हुए रमोन को लगा शायद डेबरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी डांस करती होगी। वो उसे पूछता है, मुझसे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? वो उसे कहती है, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। रमोन को पता था ये बात झूठ है तो वो उसे ज़बरदस्ती बताने के लिए कहता है। वो कहती है, सारे लोग बहुत ही घटिया थे और तुमने सबको हराया हुआ है। इसका मतलब था उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड भी बॉक्सर थे, रमोन ने उन सब के साथ फाइट की थी। ये बात रमोन को बहुत अजीब लगी, वो जेलस हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है। वो जो भी कर रहा था ये उसके ट्रेनर को सही नहीं लगता। उसने उसकी वाइफ को सब कुछ बता दिया। कैरीना बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वो डायरेक्टली रमोन के साथ डिवोर्स लेना चाहती थी। वो रमोन को उसके बेटे से भी नहीं मिलने देती, वो उसे स्कूल में मिलता है। इसके बाद रमोन ने अपने ट्रेनर से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो?
क्या मेरी वाइफ तुम अपने लिए चाहते हो? रमोन के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था, उसे कुछ भी फाइट नहीं मिल रही थी। उसने स्पॉन्सर को कॉल लगाया और वो कहता है, तुम जिस फाइट की बात कर रहे थे मैं उस फाइट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी फाइट के पहले डेबरा की एक फाइट होगी। रमोन अपने साथ डेबरा को भी सक्सेसफुल करना चाहता था। फाइट का दिन आता है, डेबरा ने अपने अपोनेंट को हरा दिया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसके बाद रमोन की फाइट स्टार्ट होती है। इस बार उसका अपोनेंट उसे ज़रा भारी पड़ रहा था। उसका राउंड ख़त्म होने के बाद वो डेबरा को देखता है। डेबरा नुकी के साथ बात कर रही थी। वो बहुत ही इनसिक्योर फील करता है, उसे लगता है शायद डेबरा भी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो इस फाइट में थोड़ा सा भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया। रमोन के अपोनेंट ने उसे बहुत ही जोर से पंच मारा और इस वजह से वो उठ नहीं पाता। वो फाइट में बुरी तरीके से हार गया। डेबरा पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम हार गए? वो कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने अपनी फैमिली खो दी और आज इतनी बड़ी फाइट हार गया, वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। फाइट के बाद नुकी उसके पास आता है। वो उसे कहता है, इसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। लड़ने के बाद भी वो उसे पूरे पैसे देता है क्योंकि उसे बहुत प्रॉफिट हुआ था। उसने कहा, हम बहुत सारी फाइट करेंगे, ये सिर्फ शुरुआत थी। वो इन सारी चीज़ों के लिए डेबरा को दोषी मानता है। वो उससे दूर जाना चाहता था लेकिन रात में उसने उसे फिर से मिस किया। डेबरा नुकी के पास थी, वो उसके साथ पार्टी कर रही थी। रमोन भी वहाँ पर पहुँच गया, जिसके साथ डेबरा डांस कर रही थी। वो उसे बहुत मारता है और डेबरा को अपने साथ लेकर जाता है। डेबरा रो रही थी और वो उसे कह रहा था, अब तुम मेरे साथ चलो, हम न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन डेबरा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। जैसा कि हमें पता है, डेबरा ने उसे कहा था, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड भी फाइटर थे, रमोन ने उन्हें हराया हुआ था, रमोन भी हार गया, तो अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो हमेशा विनर के साथ ही रहती है। रमोन इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे मारने वाला था लेकिन अपने आप को उसने कंट्रोल कर लिया। मूवी के लास्ट सीन में उसने अब तक जो भी किया, इन सब चीज़ों के लिए उसे पछतावा हो रहा था। उसके पास सब कुछ था, एक फैमिली थी और एक बड़ी फाइट वो जीता था। अगर वो चाहता तो सब कुछ परफेक्ट होता, थोड़े से और की चाहत में उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका कैरियर भी बर्बाद हो गया और फाइनली उसकी फैमिली भी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।